नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ANC इंडिया। खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हां, आज की खबर लेकर के जो मैं आया हूं, मैं इस वक्त हूं तिलक नगर तितारपुर का जो ये एरिया है, यहां पर शिव मंदिर मशहूर है और इस मंदिर के प्रांगण में यहां पर जो इस वक्त कार्यक्रम हो रहा है वो है शहीद भगत सिंह सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से, जो शहीद भगत सिंह राजगुरु जी और सुखदेव जी का जो शहादत दिवस है, उस अवसर पर यहाँ पर एक कल्चरल एक्टिविटीज़ की जा रही है, कल्चरल कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये साल में जो दो बार जब भगत सिंह जी का जन्मदिवस होता है और जब शहादत दिवस होता है, तो इन दोनों अवसरों पर बहुत ही बड़े स्तर पर इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और उसी के चलते मैं इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे होनहार चार सदस्य इंकलाब जिंदाबाद, एक मिनट लेना, इंकलाब सब लोग साथ में गाएंगे। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। चलेगा कृपा करके हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं उनके लिए आप जगह छोड़ दे और इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरह से देखे और यहाँ से शिक्षा दे। धन्यवाद चाहिए। मैं निवेदन करूंगा सरदार जगजीत सिंह बुद्धर जी से कि वो मंच पर आ जाए। परमजीत कौर जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, हमारे साथ नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा जी जुड़ चुके हैं। इस कार्यक्रम के अवसर पर उनसे बात करते हैं और मैं आपको बता दूं कि परमजीत सिंह पम्मा जी सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरी तरह से मशहूर हैं, क्योंकि BBC के द्वारा उन्हें एक गुस्सेल व्यक्ति का जो खिताब भी उन्हें मिल चुका है और तमाम न्यूज़ चैनल्स पर, तमाम मैगजीन्स में आए दिन उनकी कोई ना कोई खबर छपती ही रहती है, जो कि समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे ANC इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो शहादत दिवस है भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी का, इस दिवस पर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज हम याद कर रहे हैं ऐसे क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी इस देश की आज़ादी के लिए दी, मगर कौन सी आज़ादी के लिए? क्या अंग्रेज़ों से ही हमें आज़ाद कराना था या वो बुनियादी सुविधाओं भी हमें दिलानी थी? आज भी देखिए कि किस प्रकार लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। क्या कारण है, क्यों वो चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई? हम जबकि 75 साल आज़ादी के मना रहे हैं और हर बारी ये बात होती है कि क्रांतिकारियों को शहीदी का दर्जा दिया जाए, उनको शहीदी का दर्जा नहीं दिया जाता।
मतलब कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं बड़ी ही शर्मनाक घटनाएं हैं, क्योंकि हमें आप ही अफसोस होता है कि जो क्रांतिकारियों ने हमें आज़ादी दिलाई हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। सरकारें आई, चेंज हुई, मगर लोग आवाज़ भी उठाते रहे अपनी सुविधा के लिए भी, इन क्रांतिकारियों के लिए भी, उनके परिवार के लिए भी, मगर किसी प्रकार की भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए मेरा यही कहना है कि सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम सब मिलकर इन जो क्रांतिकारी हैं इनके लिए आवाज़ उठाएं और सरकार से निवेदन करें कि इन जितने भी क्रांतिकारी हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए। और जो मैं कहूँगा कि और सबसे बड़ा इनकलाब वो होगा जो हम अपनी लड़ाई आप लड़ें और सरकार को जगाते रहें। सर एक सवाल कि आपने कहा शहीदी का दर्जा दिया जाए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनको तो शहीद के नाम से ही पुकारा जाता है, तो इसमें स्पेशलिटी क्या है कि मतलब किस प्रकार का शहीदी का दर्जा? देखिए शहीद के नाम से हम और आप लोग पुकारते हैं मगर सरकारी तौर पर शहीद का नाम से नहीं इनको दिया हुआ है। आज भी जो देखा जाए तो कागजों में इनको कभी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, ना कोई इनके परिवार को कोई सुविधा दी गई, ना किसी प्रकार की भी इनके ऊपर। हाँ अब जैसे अब दिल्ली सरकार ने और पंजाब सरकार ने कहा भाई हर जगह भगत सिंह की फ़ोटो, हम कहते हैं फ़ोटो के साथ साथ इनका इतिहास भी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, इनके बारे में बताना भी चाहिए। और जो चीज़ है केंद्र सरकार इस ओर ध्यान दे, क्योंकि हम अगर अपने ये जिन लोगों ने कुर्बानी दी उनको भूलते जाएंगे तो आने वाले समय में देश की आज़ादी के लिए या देश के लिए कोई भी अपनी माँ या बहन अपने भाइयों को नहीं भेजेगी, कोई जो बच्चे हैं अपने बाप को नहीं भेजेंगे, जिसमें ये होगा कि जो हमारे देश की आज़ादी के लिए या आंदोलनकारी हैं वो उतने कमज़ोर होते जाएंगे कि लगेगा कि हम आज भी गुलामी की ओर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज के शहादत दिवस के अवसर पर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि शहादत दिवस जो आज शहीद भगत सिंह जी का इन्होंने मनाया है इंद्रजीत सिंह अस्त ने, एंड होना भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक शहादत का दिन एक ही नहीं मनाना चाहिए, ना ही जन्मदिन मनाना चाहिए। दिमाग के अंदर एक फितरत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि हमने शहीद भगत सिंह जी जैसे बनना है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो शहीद भगत सिंह जी ने जो कुर्बानियाँ की, जो देश अपने देश के लिए फांसी पे चढ़ गए, और आपको शायद पता ही होगा, सबको पता ही है कि जो लंदन के बीच में जाके बम मारा, और अगर ये बम ना मारते तो आज इंकलाब का ये नारा बिल्कुल ना होता। आज जब शहीद भगत सिंह जी ने जो आप जो काम किया है, या राजगुरु जी ने जो आपके सामने काम किया, सुखदेव जी ने जो शहादत दी है, ये एक बहुत बड़ा जज्बा था कि देश को आज़ाद कराने के लिए। आज ये चीज़ हर बंदा कहता तो है कि देश आज़ाद होना चाहिए, देश के अंदर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हर चीज़ सिस्टमेटिकली होनी चाहिए। तो उसके लिए आप ये देखिए कि उसके लिए जो ये शहादतें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, अपना लहू बहाया है, ये लहू बहाना पड़ेगा। क्योंकि जो अगर शहीद भगत सिंह जी ने या राजगुरु जी ने या आपके सुखदेव जी ने जो बाया या और भी जो बंदों ने शहादत दी है, ये हर बंदे को ये एक अपना जज्बा रखना पड़ेगा। हर बंदा कहता तो है शहीद भगत सिंह जैसे होना चाहिए, मगर कोई भी बंदा ये नहीं कहता कि ये हमारे परिवार से होना चाहिए। वो कहता कुर्बानी दे तो पड़ोसी का जो है ना वो कुर्बानी दे, ऐसा नहीं चलता। अगर देश को जिंदा रखना है, जो हमारी विरासत को जिंदा रखना है, आने वाले दिनों के बीच में अगर आप अपनी जो नई पीढ़ी को अगर बताना चाहते हो, तो ये आपको इतिहास सबको बताना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी अंदर भी बोला, 114 साल पहले भी आपका जो ये कृषि कानून जो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पास किया है कि ठीक है मैं वापस लेता हूँ, 114 साल पहले भी यही कानून थे। अगर ये कानून जो शहीद भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी ने ये आप उसकी अगुवाई की थी, और आपको पता है कि 9 महीने ये चला था, अंग्रेजों की सरकार थी, मगर फिर भी जीत हुई। जैसे कि 1 साल और 1 महीने के बाद आज हमारे भारत देश के बीच में किसानों की जीत हुई। मैं कहता हूँ शहीद भगत सिंह जी जैसे और आपके राजगुरु जी जैसे, सुखदेव जी जैसे, हर परिवार के बीच में बंदा चाहिए, जज्बा होना चाहिए देश के लिए जीना कैसे है, देश के लिए मरना कैसे है। मरना एक बार ही है, दो बारी वो बंदा मरता है जिसकी जो है ना फितरत, जिसकी जो है ना अंदर से जो आत्मा जो मर जाए, वो दो बारी मरता है, अदरवाइज बंदा एक बार ही जन्म लेता है और एक बार ही मरता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। ये क्रांतिकारी विचार थे जगजीत सिंह मुदड़ जी, जो कि प्रमुख समाज सेवी हैं, अभी इस अवसर में शामिल होते हुए इस कार्यक्रम को अटेंड करते हुए उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचार आपके सामने रखे। और मैं अब आपको और भी जो यहाँ पर जो गेस्ट आए हुए हैं उनसे मिलवाता हूँ। हमारे साथ इस क्षेत्र की बहुत ही प्रमुख जो सेवा संस्था है महिलाएं प्रगति की ओर, उनकी अध्यक्षा श्रीमती उषा निश्चल जी और उनके पति अरुण निश्चल जी हमारे बीच हैं। मैडम नमस्कार, बहुत स्वागत है एएनसी इंडिया में।
आज के इस शहादत दिवस के अवसर पर दर्शकों को या कहें कि हमारे राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही संदेश देना चाहेंगे, हर कोई ये चाहता है कि पड़ोस का व्यक्ति मतलब शहादत देने के लिए तैयार हो जाए, देश की को मतलब आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए। तो ये हर व्यक्ति क्यों नहीं सोचता कि पूरे देश में से हर परिवार में से अगर एक एक भी शहीद भगत सिंह की तरह अपना बेटा आगे लाएं तो देश और आगे तरक्की कर सकता है। आज जो हम गुलामी की जंजीरों में, जैसे दूसरे यूक्रेन में हो रहा है, रूस में हो रहा है, अगर इसी तरीके से होता रहा तो शायद हमारा देश भी कभी किसी दिन गुलाम ना हो जाए। इसलिए सभी लोगों को पहले से अवेयर होना चाहिए कि अपने देश के लिए अपनी जान की प्राणों की बाजी देने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहना चाहिए। बहुत धन्यवाद मैडम, नमस्कार, थैंक यू सर। हमारे बीच में पटेल नगर से अनु मनोचा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी हैं और इस समय 96 वार्ड से भावी प्रत्याशी हैं अनु मनोचा जी, तो हमारे साथ इस अवसर पर जुड़ चुकी हैं। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एएनसी इंडिया में। जी नमस्कार, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ चैनल एएनसी इंडिया का, जिन्होंने हमें अपने चैनल में बोलने का मौका दिया। और मैडम जी आप आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, शहादत दिवस का अवसर है, इस अवसर पर जो है देश प्रेम की भावना जो हमारे दिलों में होनी चाहिए, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगी इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी और इंद्रजीत सिंह जी, जो ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये कार्यक्रम। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे आपने पूछा कि आपने देश के युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे, तो मेरे हिसाब से कोई भी महान व्यक्ति जीवन में दो बार मरता है, एक बार वो जब वो देश के लिए कुर्बान होता है और दूसरा तब जब हम उसकी जीवनी से या उसके कुर्बानियों से हम सीखना बंद कर देते हैं। तो जो हमारे देश के युवा हैं उनसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है कि जो हमारे अपने जिन महान आत्माओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है उनको वो याद करें और जनरेशन टू जनरेशन आगे वाली पीढ़ी को ज़रूर बताएं कि आज हम जो आज़ाद देश में घूम रहे हैं उसके पीछे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे महान आत्माओं का हाथ है जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, और उनकी जो यादें हैं हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलनी चाहिए। उनकी डेथ को आज 90 साल हो गए हैं लेकिन आज भी वो हमारे बीच में जीवित हैं, उनकी कुर्बानियाँ जीवित हैं और ये युवा ही आगे इसको और बढ़ा के आगे लेके जा सकता है। बहुत बढ़िया बात कही मैडम ने कि एक शहीद या एक व्यक्ति दो बार तब मरता है जब हिंदुस्तान या कोई भी उस देश में रहने वाली आवाम उसको धीरे धीरे भुला देती है और उसकी कुर्बानी जाया जाती है। तो मैडम आपने और साथ ही जो आप वार्ड 96 से भावी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी एएनसी इंडिया की ओर से, आपको बहुत बधाई, उज्जवल भविष्य। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैडम, हमारे चैनल एएनसी इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम अंजू शर्मा है और मैं एक समाज सेविका हूं और आज के शहादत दिवस पर जो सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है, जीना है तो मरना सीखो, देश की रक्षा करना सीखो। शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी और इंद्रजीत वीर जी का मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे एक मोमेंटो देकर मुझे नवाजा है। और जितने भी अतिथि इधर आए हैं अपने देश को में कुछ ना कुछ करने के लिए, और यहाँ पर जितने भी बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है वो देश के लिए कुछ एक जज्बा लेकर आए हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि देश के लिए बच्चों के मन में एक ऐसी भावना माता पिता ही डालें जिससे कि बचपन से ही ऐसे प्रोग्राम में बच्चे आगे बढ़ चढ़कर भाग ले सकें। बहुत धन्यवाद मैडम, आपको अवार्ड मिला उसके लिए भी बहुत बधाई, थैंक यू सो मच। हमारे साथ शहीद भगत सिंह सोशल वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार इंद्रजीत सिंह आष्ट जुड़ चुके हैं, जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, जो कि साल के दो खास दिन है, जो भगत सिंह जी का जन्मदिन और ये शहादत दिन, इस दिन ये बहुत ही धूमधाम से कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल एएनसी इंडिया में। आज के इस विशेष दिवस पर युवाओं को राष्ट्र के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं शहीद भगत सिंह सोशल वेलफेयर सोसाइटी इंद्रजीत सिंह आष्ट आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी के 23 मार्च शहादत को समर्पित एक कार्यक्रम, जो शहीद
भगत सिंह इनकलाब सद्भावना अवार्ड जो हमने रखा है, ये हम ऐसे लोगों को अवार्ड दे रहे हैं जो सचमुच जो दर्द लोगों का समझते हों, जो निष्काम सेवा करते हों अपने अपने क्षेत्र में। इनकलाब का नारा जो है लोगों को अभी तक समझ नहीं आया। इनकलाब का नारा तब लोगों को समझ आएगा जब कोई डॉक्टर किसी को लाइन में से निकाल के रोती बिलबिलाती लेडीज़ को कहेगा कि मैं आपके इलाज करूँगा। जब कोई हमारी निगम पार्षद किसी के पति के डेथ होने के बाद उसके भोग पर जाकर उसको जो है पेंशन देगी, तब इनकलाब का नारा समझ में आएगा। जब लोग जो हैं अपनी निगम पार्षद जो मोहर है अपने पास रखेंगे और कहीं भी किसी के टेस्ट करेंगे, तब लोगों को नारा समझ में आएगा। जब लोगों की समस्या जो है एमएलए एक आम एमएलए करेगा, हल करेगा, तब इनकलाब जो है परिवर्तन होगा। तो इनकलाब का नारा जो है हमें खाली ये नहीं लगा कि इनकलाब का नारा लगा दिया और सारे काम बन गए। इनकलाब के नारे का एक मतलब है, इनकलाब का नारा है कि गरीबों के हक में हम लोग कितना काम करें ताकि जो लोगों को दर्द है वो दर्द लोगों को पता चले कि गरीब का दर्द क्या है। और शहीद आजम भगत सिंह का यही नारा था, वो चाहता था कि ऐसी एक सरकार आए जिससे लोगों को पता चले कि वाकई हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम हिंदुस्तान के ही बन के रहेंगे। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि एक रुपये के सिक्के में शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी की प्रतिमा जब तक नहीं लगेगी तब तक जो हमारा इनकलाब का नारा है ये बुलंद नहीं होगा। धन्यवाद। जय सिंह, जय हिंद। तो एक बात विशेष रूप से निकल करके आ रही है, सभी का यही कहना है कि शहीदों को केवल एक विशेष दिन ही नहीं बल्कि साल के हर दिन उनको याद रखना चाहिए, उन्हें याद रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो है देश के प्रति जो जज्बा है वो कायम रहे और किसी भी मुसीबत के समय में हमारे देश का जो युवा है वो डट करके सामने खड़ा रहे और दुश्मन का मुकाबला कर सके। हमारे साथ हितेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं जो कि एक एक्टर है, मॉडल है, दिल्ली का बहुत ही मशहूर नाम है हितेश शर्मा जी, और इस कार्यक्रम में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। सर, बहुत आपका जो है स्वागत है हमारे चैनल एएनसी इंडिया में। आज के दिन आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे दो शब्दों में? कि मैंने चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक्ट यहाँ जहाँ पे किया है और मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के वर्ड ही युवाओं को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को अपने से आगे बढ़ते मत देखो, आप लोगों को अपने आप से आगे बढ़ते मत देखो, बल्कि आप अपनी सफलता पर ध्यान दो, क्योंकि आपकी सफलता आपकी अपने आप से लड़ाई है, आपकी अपनी सफलता अपने आप से लड़ाई है। थैंक यू सो मच सर। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आपसे विदा लेता हूं, जल्द ही अगली खबर के साथ आपसे फिर मिलूँगा। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मैं विनती करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपना सहयोग हमें दें। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए नमस्कार।